हम लोग सभी लोग अपनी बातों को रखते हैं, हर एक कार्यक्रमों को करते हैं और हम सभी की भावनाओं को हम सबों के बीच ये दो बच्चियां मास कम्युनिकेशन केतकी और मल्लिका, संजोग ऐसा होता है कि अपनी भावनाओं को नहीं रख पाते लेकिन हम सबों की बातों को सबको दिखलाती है। एक बार पूरा विभाग इन दोनों बच्चियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और दो शब्द उनकी संवेदनाओं को मैं जोड़ते हुए मैं आज के अभिभावकों में बुलाना चाहूंगा। मानो 31 तारीख को जब सर की अंतिम कार्य दिवस था, मान के चलो कि केतकी और मल्लिका दोनों जाकर के इंटरव्यू सर से ले रहे थे और वो क्षेत्रीय भाषा में कैसे ले सकते हैं, दो लाइन अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में बुझा, मैं अपनी बातों को रख लेता हूँ। कौन खुशी तोरे आँखी लो, विभागाध्यक्ष से पूछ रही हूँ, चूंकि 65 वर्षों में ना जाने आपने कितने बच्चों के जीवन को संवारा, कितने खेत खलिहानों में आपने बीज डाला और वह बीज ना केवल अंकुरित हुआ बल्कि फलदार वृक्ष बन गए और फलदार वृक्ष को फलदार बनाने वाले आप एक उस बगिया का मालिक बनकर के आपने उन पौधों को सींचा। वो मालिक को अपने बगिया से बहुत प्रेम होता है और जब बगिया का कोई पुष्प सूखता है या टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को होता है तो वह उस मालिक को होता है। उसी मालिक के रूप में हमारे डॉक्टर भगवान पाठक देखते देखते 65 वर्ष की एक लंबी यात्रा को उन्होंने तय कर लिया और आज इनके नेत्र से दुख के आंसू नहीं है कि मैं 65 वर्षों के बाद मैं यहां से जा रहा हूं, ये आंसू है उनके खुशी के कि मैंने उस ईश्वर ने हमें छोटा सा ईश्वर का अंश बनाकर पृथ्वी पर हमें भेजा था और इस पृथ्वी पर आकर के मैंने एक नहीं अनेकों भगवान के स्वरूप फैला दिया बीजों को और वह बीज आज लहलहा रहे हैं। उनके मुख से उनके नेत्र से ये खुशी के आंसू बह रहे हैं और केतकी से पूछ रहे हैं कि कौन दुखे तोरे, कौन खुशी में तोरे आंखें रोर है विभागाध्यक्ष। अब विभागाध्यक्ष की ओर से यह जवाब मिलता है, 65 साल जीवन बीतले कखनो हमर आँखी से लोर नाय निकलल, 65 साल जीवन गुजरल कहियो नाय आँखी से लोर निकलल, आज हमें विदा लेनो यह खुशी आँखी हमर लोर निकलल, यह खुशी हमर आँखी लोर के केतकी, यह खुशी मोर आँखी लोर। इसी के साथ आप सबों के एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके बारे में और ज्यादा क्या कहा जाए, जितना भी बोला जाए बहुत ही कम होगा और अंतिम समय है उनसे सुनने का और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हम उनको आप सबों के बीच बुलाना चाहेंगे। आप आए और जाते जाते हम अपने अनुजों को, सहपाठियों को, छात्र छात्राओं को अपना ऐसा आशीष वचन देकर के जाएं कि आने वाले दिनों में कल कोई छात्र हो, कोई शिक्षक हो, तो उसकी पहचान डॉक्टर भगवान पाठक से हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की कार्यवाही के कुशल संचालन के लिए मैं डॉक्टर मुकुंद रविदास का अभिनंदन करता हूँ।
कुछ भी कहने से पहले माँ सरस्वती के इस मंदिर में यह कामना करता हूँ कि आपकी प्रतिभा दिनों दिन आगे बढ़ती रहे और इसी तरह से विश्वविद्यालय के मंच पर शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ आप कार्य संपादन करते रहे। मेरे विषय में बहुत सारी बातें की गई, पता नहीं यह स्नेह आपका है, मैं कैसे इसे संभालूं और कैसे आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करूं। हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द चुक गए हैं, शक्ति छीन हो गई है, इसलिए कुछ कहने के पहले हम आप ही से कुछ मांग रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। शब्द तो बहुत हैं पर सभी मुझे 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 अभिव्यक्ति की विद्युत तरंग दो जिससे सबके सब जल उठें, सबके सब जल उठें। कुछ भी कहने से पूर्व मैं उस बात को याद करता हूं जो हिंदी के एक कवि ने कहा था, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश, राहु कटाए शीश। आपने जो मान दिया है, हमेशा मान दिया है, हम आपकी स्मृतियों में बसे रहेंगे और आपके इस स्नेह से हमारा हृदय लबालब भरा रहेगा। मुनमुन बाबू, मुनमुन भैया, आपके विषय में हम क्या उद्गार व्यक्त करें, सिर्फ यही कहेंगे कि यादें बहुत कड़वी होती है। दिल की जमी पे जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना याद करोगे उतना ही रोगे, उतना ही। आप अपने कार्यकाल में अपने यह दिखला दिया कि विश्वविद्यालय को ऊंचाई की तरफ कैसे ले जाते हैं। जितने बिल पेंडिंग पड़े हुए थे करोड़ों के, बैठने के बाद आपने पहले उसका निष्पादन किया और बहुत तरीके से आपने शिक्षकों के हृदय पर अपना राज्य स्थापित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं सर, हमारे बड़े भाई हैं, प्राचार्य थे, उस समय भी उनका स्नेह मिला, अधिकारी बने उस समय भी उनका स्नेह मिला और आज भी वैसे ही दौड़े चले आए। यह सुनकर कि पाठक जी की विदाई है जैसे एक भक्त भगवान के पास जाता है। कैसे आप आए, किन पैरों से आए, मुझे लगता है कि हमारा स्नेह आपको खींच कर लाया। जो पांव दहलीज तक पहुंचे थे उसके, वो मेरे नहीं उसके थे, उसके थे। आप हमारे पैर पर आए हैं दौड़ करके, हमारा स्नेह ले आया है। प्रचार के रूप में बीएससीटी कॉलेज में जब मैं था, उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परीक्षाएं चल रही थी इग्नू की, लेकिन जिम्मेदारी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था और खड़ा होकर के चल पाना मुश्किल था मेरे लिए। और उस समय आपने तुरंत वहां आदेश दिया अधीनस्थ कर्मचारियों को, जल्दी बेड लाओ, इस पर बिस्तर लगाओ। बगल में एक रूम आपने खुलवाया और कहा कि परीक्षा चलती रहेगी, आप मानिएगा नहीं बिना आए, तो आप इसी पर विश्राम करें। यह आपका जो मानवीय गुण है, मानवीय धर्म है, उसका मैं आभार मानता हूं। भूगोल
विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल भैया, तो इनकी भावना का वर्णन मैं कैसे करूं। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां इनके सामने आई, जो उस परिस्थिति में एक धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व ही अडिग रह सकता है, और देवघर जाना बहुत आवश्यक था, वह दुख की बेला थी, श्राद्ध था उस दिन आपके साधु भाई का, बहुत नए थे अभी, लेकिन वहां जाने के पहले आपने कहा कि मुझे अफसोस है कि आप की विदाई के दिन मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा विदाई होते रहेगी, वह जो कर्म है वह बहुत आवश्यक है, आप वहां जाएं, लेकिन आपका वह स्नेह वह प्रेम उस दिन को टाल गया। 31 तारीख को जो होने वाला था कार्यक्रम वो स्थगित हुआ, और आज हुआ, आपकी अनुपस्थिति में हुआ। मैं आपके उस भाव की कद्र करता हूं, यह कहते हुए कि आज फिर तेरी गली में शख्स वो पाया गया जिसको तेरे हुक्म से सुली पे लटकाया गया। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं, संबोधन के अधिकारी आप थे, लेकिन पहले जानबूझकर मैंने आपका नाम नहीं लिया, क्योंकि यह कोई नहीं समझे कि आप हम सबों में उम्र दराज है। मैं बाद में आपका नाम ले रहा हूं, इसलिए कि आपकी उम्र अवकाश ग्रहण के बाद और दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। आप मेरे गुरु भी हैं। चर्चा उन्होंने हल्का किया, जब मैं 1982 में एमए का एग्जाम देकर गोविंदपुर आया था, उस समय आपका, शिवनंदन बाबू का, एसएस गिरी का और प्रचार्य राणा जी का स्नेह प्राप्त हुआ। हमको रात में बुलाया गया 9 बजे, पाठक जी एग्जाम देकर आ गए, यहाँ से आगे का क्या प्लान है? सर जो ईश्वर चाहेगा, ईश्वर चाहेगा। आप क्या चाहते हैं? सर हम आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, यही हमारी इच्छा है। तो आपको आशीर्वाद मिला, कल से आइए और आर एस में क्लास लीजिए। अरे ये क्या हुआ सर, हमने हाथ जोड़ा, अभी मैं परीक्षा देकर के आया हूँ, रिजल्ट नहीं निकला है, 10 दिन हुआ परीक्षा दिए, और मैं पढ़ाने चलूँ और कल फेल हो जाऊँगा तो बच्चे रास्ता चलना मुश्किल कर देंगे कि प्रोफेसर बना था। कले से ठेला चलने लगेगा मेरे ऊपर, नहीं सर नहीं, हमको ऐसा नहीं किया जाए। गुरुजनों का विश्वास था कि नहीं पाठक जी आप फेल नहीं करेंगे, उन्होंने यही कहा कि आपको अपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने छात्र पर विश्वास है, और दिन नहीं कल से आपको आना है और कक्षाएं लेनी है, और ऑनर्स बीए ऑनर्स की क्लास में हमको भेज दिया गया, रजिस्टर में हाथ लिए मैं चला गया। तो एक गुरु के रूप में और मित्रता ऐसी कि जब कभी भी काका सिंह के होटल में जाना होता था तो लोग जानते हैं पाठक को 25 रुपये पर क्लास मिलता है, 550 रुपये उस समय मिलते थे, आप लोगों को शायद 700 या कितना 900 के लगभग मिलता था। तो जब भी काका सिंह के होटल पर जाना होता था, पाठक कहाँ है लाइए उसको, और वहाँ जाना, नाश्ता करवाना, चाय करवाना, और अपने ज्ञान से यह बतलाना कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ विज्ञापन निकला है, इस कॉलेज में विज्ञापन निकला है, आप अप्लाई करें, आवेदन दें, कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं सहयोग करूँगा। अंग्रेजी के प्राध्यापक वर्मा साहब अपने साथ लेकर के कहाँ कहाँ गए, अग्रवाल जी, वो गजब का समय था सर, मैं तो अभिभूत हूँ उस दृश्य को याद करके कि गुरु और शिष्य में कितना तादात्म्य था,
कितना गहरा लगाव था जो अपने पुत्र से अधिक अपने शिष्यों को मानते थे। मैं कामना करता हूं वह परिवेश वह वातावरण फिर से आ जाए। इसीलिए मैंने अपने छात्रों के बीच हमेशा अपने को लोकप्रिय नहीं बनाया, उनके दुख दर्द को हमने सुना और उस दुख दर्द से मेरा हृदय द्रवित हुआ और मैंने आनंदित भाव से उन्हें आगे बढ़ने की नसीहत दी, उसकी शिक्षा दी। अब एक वैसी प्रतिभा है जिन्हें आप मंच पर सुन चुके हैं। मैं भी जब लड़खड़ाता था तो आपका दामन थाम लिया करता था, और एक शिक्षक की एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो सच्चाई को स्वीकार करे, क्योंकि सत्य शाश्वत है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। आप में माँ सरस्वती ने वह प्रतिभा भरी है कि आप आज भी शल्य चिकित्सक की तरह हिंदी की बारीकियों को ध्यान से देखते हैं, उस पर आपकी नजर चली जाती है और आप बार बार उस बात को नहीं दोहराने की नसीहत देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आपकी वह प्रतिभा बनी रहे। हमारे विभाग की जो धड़कन है, तीन ही मूर्ति बचे, एक रक्त है, एक धड़कन है, एक मस्तिष्क है, और वो मस्तिष्क अपनी शीतलता बराबर प्रदान करता है। आप बच्चों के बीच बच्चों के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं। और कोई भी ऐसा कार्यक्रम हिंदी का हो, केवल आपको कह दिया जाए कि इस तरह का आयोजन करना है, तुरंत तैयार। आज मैं आगे रूम में बैठा हुआ था, हमारे बच्चों की कतार लगी थी वहां से वहां तक लेने के लिए, फूल बरसाते हुए रूम में बच्चे सब ला रहे हैं। ये दिन मुकुंद रविदास की, आपकी वो क्षमता आपका वो भाव बना रहे। और जिस महान व्यक्तित्व ने मुझे आशीर्वचन दिया स्वस्थ रहने का, दीर्घायु होने का, मेरे गुण और दोषों का, समय का आपने विवेचन किया, यह आपकी देन है कि आज भी जब मैं कहीं लड़खड़ाता हूं तो आधार आप ही मिलते हैं, आप में वो सज्जनता है, आपके अंदर जो निष्ठा है, ईमानदारी है, कर्मठता है, अस्पष्ट वादिता है, मैं उसका कायल हूं, मैं उसका समर्थक हूं। आप सच्चे अर्थों में इसके अधिकारी हैं। आप में कभी गरूर नहीं आया, मैं अधिकारी हूं इसका कभी गरूर नहीं आया, और किसी के दुख और सुख को सुनकर तुरंत आप द्रवित हो जाते हैं, यह विशेषता आपकी है। क्रोध आ जाता है कभी कभी, बीएससीटी कॉलेज की चर्चा सब कर रहे थे, बड़ा आ गया, होना तो नहीं चाहिए, कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि भक्ति काल के एक संत थे, बहुत पहुंचे हुए संत, दिन भर साधना के बाद जब शाम को घर पहुंचे तो पत्नी कभी शब्दों की बौछार करे, कभी बर्तन देह पर फेंके, और एक दिन तो झाड़ू लेकर के उस महात्मा का स्वागत करने लगी। तो संत शांत है, उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन साथ में जो शिष्य था वो आक्रोशित हुआ और वो कुछ बोलना चाहा, तो गुरु ने कहा ये चुप, क्या तुम समझ रहे हो, मैं इसका शिष्य हूं,
इससे मैं दीक्षा लेता हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, इसलिए मैं बार बार इसके पास आता हूं। तो पत्नी की इस बात को कन्या को गुरु ने किया। तो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कभी कभी आ जाता है, वो आ गया था एक बार उबाल और सर थे, बीच बचाव किए थे, इसलिए इनको याद है, कभी कभी हो जाता है। जो विभाग की शीतल मणि हैं, जिनके भावों का अतिरेक रोके नहीं रुकता है, जिनके अंदर स्नेह और प्रेम के बादल उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं और बरसने के लिए छटपटाने लगते हैं, उस शीतल छाया में विभाग को आगे बढ़ाने में तत्पर डॉक्टर रीता मैडम का अभिनंदन। आप त्रिमूर्ति, पहले तो चतुष्पद थे हम लोग, अब तो त्रिवेणी हैं, गंगा यमुना सरस्वती की तरह आप में वो क्षमता है कि हिंदी को और ऊंचाई तक आप ले जाएंगे। ये मैं कहता हूं इस मंच से, यदि मेरा अनुभव कहता है, मेरा आकलन गलत नहीं है, तो आप जो तीनों हैं विभूतियां हैं, साहित्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपको ईश्वर स्वस्थ रखें, शानंद रखें और आनंद के साथ हंसते हुए खिलखिलाते हुए आप बच्चों को ज्ञान बांटते रहें, विभाग को आगे बढ़ाते रहें, यह मेरी शुभेच्छा है। और एक भैया हमारे किनारे में, भैया इसलिए कहता हूँ कि हमारी भाभी ऐसे सेलेंटी में है, जो इनकी भारियाँ हैं, वो भी संस्कृत की प्रोफेसर है और जिंदा दिल। अब बहुत दिनों तक मैं ऐसे सेलेंटी महिला महाविद्यालय में रहा हूँ और वहाँ पर भी बच्चों का बहुत स्नेह मिला, बहुत अपार स्नेह मिला है मुझे वहाँ का स्नेह। अब भी जहाँ जहाँ मैं डमरू गई मुझे प्राप्त हुआ, उसमें कहीं कोई एक आध रुक्ष निकल जाए, लेकिन मेरी धारणा वैसी नहीं है, मैं तो केवल पूजा ही करता हूँ। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इसका, पसारे आप आचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का हो जाए। तो ऐसे सेलेंटी में प्रतिभाएं थी और उन एक प्रतिभाओं को संचालित करने का श्रेय आपको है, तो जो उस प्रतिभा का मालिक है, जो उसका संचालन शक्ति का बनवास कर दिया। राम ने निकाला नहीं था, राम के पास वह शक्ति नहीं थी, वो ताकत नहीं थी कि सीता को अयोध्या में रख सके, क्योंकि सीता एक शक्ति थी और शक्ति एक पुत्र रत्न को देने वाली थी, और शक्ति को नियंत्रित जब कोई करता है तो वैज्ञानिक करता है, इसलिए वैज्ञानिक के पार्श्व को भेजा गया, ऋषि वाल्मीकि वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया, एक लव गया, दूसरा कुश उठाया और कुश से उन्होंने एक बालक बना दिया। कितना बड़ा विज्ञान था, राम में यह ताकत नहीं थी, सिद्ध था, सद्भाव था, सारी कुछ वृत्तियां थी, लेकिन शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता उनके अंदर नहीं। तो सर आप वैसी शक्ति को नियंत्रित करके रहते हैं। विद्यार्थियों के बीच मैं प्रतिभा देखना चाहता हूं, कैसी प्रतिभा, नाम मैं नहीं लूंगा रानी किसी का, किसका नाम लूंगा किसका नहीं लू, हमारे लिए सारे छात्र सारी छात्राएं बराबर है, स्नेह की पात्र हैं, इसलिए मैं आप सभी को ये संबोधित करूंगा और ये बताऊंगा कि ऐसी प्रतिभा आप अपने अंदर लाइए ये साहित्य जगमग हो। जिस तरह से नदियां सागर में मिलती है, अभी अभी हमारे भूगोल के
प्राध्यापक छात्र बनकर अपने को और छोटा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सास मैया है ना वो हमको बहुत मानती है। तो अब जो है तो बच्चों में वो प्रतिभा आ जाए, जैसा मैंने एक ऐसे सेलेक्टिव में एक छात्रा से पूछा था प्रश्न कि राम वन क्यों गए, पिता का आदेश था, सीता वन क्यों गई, सीता के लिए तो कोई आदेश नहीं था, तो बताओ सीता क्यों गई। तो एक छात्रा खड़ी होकर बोली कि सर जिस घर में तीन तीन सास हो उस घर की बहू का बनवा से अच्छा। मैं दम रह गया उस प्रतिभा को देखकर। और यहाँ केतकी की बंदूक से मुझे बड़ा डर लगता है, दोनों बहन से और हम एक और बहन मिली हमसे, तीनों बहन, मैं तीनों बहनों के लिए मंगल कामना करता हूँ। तुम्हारे पिता से जब मैं मिला मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी की पुत्री हो जो स्वच्छंद होकर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह उन्हीं की देन है, मल्लिका हो या केतकी हो, तुम सब आगे बढ़ रही हो, अपने उस पिता को नमन करो, अपनी उस माता को नमन करो। बहुत फोटो खींचने में हमारा प्रिय छात्र कृष्णा लगा हुआ है। मंच पर आने के लिए कुछ बोलने के लिए बराबर उतावला रहता है, और हमारे जितने स्कॉलर हैं ना उनको हम एक ही बार में संबोधित करेंगे। मेघ मेघ तो मेघा जब शिला के रूप में परिवर्तित होती है तो सोनी द्वय प्रार्थना करती है बरसने के लिए, और जब मेघ बरसने लगता है तो उसकी शोभा अनुपम हो जाती है, और उस अनुपम शोभा को देखकर दीपक और पांडव कराहने लगता है। तो अब बंदा कैसे रह गई, ये वैसा ही जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नजदीक की वस्तुएं दिखलाई नहीं देती। तो उसी प्रकार बबीता विस्मित हो गई। एक रामू भी है और हमारे गरुण, अगर गरुण नहीं हो तो हम और तिवारी सब पहुंच ही नहीं पाएंगे यार। तो आप समय पर हमें पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, बहुत बहुत श्रेय आप सबों का। आज का भी यह कार्यक्रम था, हाँ अभी तो बाद में यह जो कार्यक्रम था हिंदी विभाग के द्वारा था, समय कुछ कम मिला, 11:30 बजे से ही होना था, लेकिन वो कौन सेंटर हेल्थ सेंटर के चक्कर में इधर भी विलंब हो गया, उधर ज्योग्राफी में भी प्रोग्राम था, और इधर मैथ में छटपटाहट थी। सर 31 तारीख से ही 31 को बच्चे आ गए, उसके बाद फिर आए फोटो लेने के लिए, एक बच्चा बहुत दूर से आता है वो आ गया चेंबर में ही, बोला सर ये अथी करके जा रहे हैं। तो व्यवस्था समय की होती है, लेकिन गणित की दो प्रतिभाएं, एक प्रतिभा जिसे आप देख रहे हैं ये केवल मेरे लिए आज घर से आई है, अपने सर से पूछ करके सर की विदाई किस दिन होगी, मैं कैसे मानूं कि मैं हिंदी का हूं। मैं सारे बच्चों का हूं, जितना हिंदी का हूं उतना भूगोल का हूं उतना ही। और एक प्रतिभा जो टॉपर है, अगर ये नहीं आती तो हमारे विभागाध्यक्ष और
परेशानी में पड़ते विचलित होते हैं, इसलिए काम इतना अधिक है यहाँ का और वहां का, दोनों जगह का दायित्व आपको मिला। और आप भी जैसा कर्मठ व्यक्ति है जो दोनों दायित्व का निर्वहन कर रहा है, कभी ईशा कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, तो आपके सबों की जो संवेदना थी, ये भावनाओं की जो छुअन थी वो हम तक आई, क्योंकि जब तक छुअन नहीं हो तब तक भाव जगता नहीं है। जब तक न होए कोई छुअन, हर मिलन अधूरा लगता है, हर मिलन अधूरा लगता है। आज भावनाओं की छुअन हम तक पहुंची है और अंत में समय बहुत हो गया है, बोलने का भी इतना मन करता है आप लोगों का स्नेह देखकर, मैं उसका अधिकारी नहीं हूं जितना आपने स्नेह दे दिया, और इतना स्नेह मिलने के बाद होता है मैं बोलते ही रह जाऊंगा बिना थके बिना हारे, लेकिन समय सीमा है और सारे लोग थके थके हैं, इसलिए सिर्फ हम यही कह दें निराला की तरह इतनी जब श्रद्धा हमारे साथ होगी तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में बसंत, तो अभी न होगा तो अंत करते हुए हमारे छोटे भाई मृत्युजैन ने याद दिलाया था कि सुभद्रा कुमारी की चौहान याद हो जाती है, तो कहके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। कहने के लिए तो लगता है कि आजकल जो व्यवस्था बन गई है पहचान में नहीं आता है कौन सही है कौन गलत है कौन है क्या है, जिसको आप आगे बढ़ाते हैं वो शत्रु बनेगा। जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी जिंदगी, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े, हम ही पे बरस पड़े। मित्रता कैसी है दोस्तों, दोस्ती का हाथ बढ़ाते क्यों हो, दिल मिलता नहीं हाथ मिलाते क्यों हो, हाथ मिलाते संवेदनाएं मर रही है, समाज अधोगति को जा रहा है, पैसा बहुत है और वृद्ध माता पिता तड़प रहे हैं, एक गिलास पानी देने वाला नहीं, पैसा तो नहीं देगा, वहां बेटा अमेरिका चला गया छोड़ के चला गया, बाप माँ का वहां मन नहीं, ये कौन सी संस्कृति आ रही है। लेकिन समय की मांग यही है, दुनिया तकनीकी है, अगर कंप्यूटर बाबा नहीं हो तो अब आदमी आगे भी नहीं बढ़ेगा, कहीं कुछ बात फंस गई तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए, बाबा बतला दीजिए, गूगल बाबा तो बतला देते हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। चिट्ठी लिखते थे तो आदत बनती थी शुद्ध शुद्ध लिखने की, बच्चे शुद्धता का पालन करें, क्योंकि जिस दिन शुद्धता समाप्त हो जाएगी हमारी हिंदी मर जाएगी, इसलिए हमेशा लिखते रहना है, कुछ अच्छा हो कुछ गलत हो जो भी हो लिखते लिखते आदत बन जाएगी, और फिर शुद्ध हम लिखने लगेंगे बोलने लगेंगे। हिंदी का एक व्यक्ति मिला मुझे जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर सिंहनंदन प्रसाद सिन्हा, जो अभी बेंगलोर में हैं, बात चित के एक आदर्श पुरुष, हिंदी ऐसे ही लोगों से बची हुई है और उस परंपरा में मृत्युंजय जी आ रहे हैं, मुकुंद जी उनको बल प्रदान करेंगे, रीताजी सफलता देगी। तो बहुत देर तक हुई परीक्षा, बहुत दिनों नहीं कर रहे हैं हम, बहुत देर तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो, अजी बोल तो लिया करो, चाहे मुझसे प्यार न हो चाहे